एफएसएल रिपोर्ट में हो गया बड़ा खुलासा। रेव पार्टी में इस्तेमाल होता था सांपों का जहर, अब एल्विस यादव जाएंगे जेल। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव को आज कौन नहीं जानता है। बिग बॉस में आने से पहले भी उनका अपना एक भौकाल था और बिग बॉस जीतने के बाद से तो और भी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। लेकिन अब एल्विस अपने वीडियोस के लिए नहीं, अपनी पार्टी की वजह से चर्चा में है, जिसकी वजह से अब वो फंसते जा रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि एल्विस जेल भी जा सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल एल्विस यादव लगातार कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं। पिछले साल यूट्यूबर सांप के जहर की सप्लाई करने और रेव पार्टी के मामले में बुरे फंसे थे और अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उससे बवाल मचना तय है। सांपों के जहर को जांच के लिए एफएसएल लैब में भेजा गया था और अब रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है। पिछले साल एल्विस यादव पर आरोप लगा था कि वो अपने गैंग के साथ रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं और जब नोएडा पुलिस ने एक रेव पार्टी में रेड डाला तो सांपों का जहर बरामद हुआ था और फिर उसे एफएसएल को भेजा गया था और अब इसी एफएसएल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में पता चला है कि वो जहर करैत और कोबरा प्रजाति के सांपों का है और ये प्रजातियां काफी खतरनाक मानी जाती है और भारत के 4 सबसे खतरनाक सांपों में भी शामिल है। यानी रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था और क्योंकि इस मामले में एल्विस का नाम सबसे आगे था, इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या एल्विस यादव जेल जाएंगे। आपको मामला एक बार विस्तार से बताते हैं। हुआ कुछ यूं कि सब कुछ पिछले साल तब शुरू हुआ जब एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को एल्विस यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर में लिखा था, एल्विस जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है। गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों में इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया जाता है। इसके बाद नोएडा की एक पार्टी में रेड पड़ी जिसको लेकर कहा गया था कि इस पार्टी में एल्विस ने सांपों का जहर सप्लाई करवाया था और नोएडा पुलिस ने इसी पार्टी से रेड के दौरान बरामद हुआ जहर एफएसएल को भेजा था, जिसमें अब खुलासा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि नोएडा पुलिस ने एल्विस समेत सपेरों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 5 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और अब इसी एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, सामने आया है कि सांपों का जहर खतरनाक था और इस्तेमाल होता था रेव पार्टी में। हालांकि जब ये इल्जाम लगा था तब एल्विस यादव ने अपना बचाव किया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विस यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एल्विस यादव अरेस्ट हो गए, एल्विस यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विस यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ।